नमस्कार दोस्तों, मैं गगन सिंह, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी पर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं हम कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो देखिए, को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। तो प्राइम नंबर हमने पीछे बताया था आपको, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उन नंबर को कहा जाता है जो क्या हो, यूनिटी से, एक से और खुद से, इट इज सेल्फ से, खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। अब देखिए, को प्राइम नंबर क्या कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका HCF, जिसको आप बोलते हो हिंदी में मस, या कह सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो, सीधा कह सकते हो, ठीक है। या ऐसे कहिए आप कि को प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे, तो को प्राइम नंबर वे नंबर होंगे जिनके फैक्टर क्या होंगे, कॉमन नहीं होंगे। बस उसमें क्या कॉमन रहेगा, आपका वन कॉमन रहेगा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो सीधी सी बात, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके फैक्टर क्या हो जाए, जिनमें केवल एक फैक्टर कॉमन वन हो, उन्हीं को क्या बोला जाएगा, को प्राइम नंबर। जैसे हम लिख सकते हैं 8 और 9, आप लिख सकते हो 8 और 9 क्या है, को प्राइम है। 6 और 7 क्या है, को प्राइम है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि को प्राइम क्या होता है। अब आगे बात करते हैं, इवन और ऑड हमने आपको बता ही दिया था, जितने भी इंटीजर होते हैं अगर वो 2 से डिवाइड होते हैं, चाहे वो प्लस इंटीजर हो चाहे माइनस इंटीजर हो, उन्हें बोला जाता है इवन नंबर, यानी मतलब सम संख्याएं। और विषम संख्याएं किसे कहते हैं, जितने भी इंटीजर हो जो किस रूल को फॉलो करे, 2n+1 रूल को फॉलो करे, या हमने बताया कि 2 से विभाज्य न हो, 2 से डिवाइड न हो, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑड नंबर, विषम संख्या है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है आपके लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए नंबर दो प्रकार से मिलेंगे आपको, एक हमने आपको बताया था रियल नंबर, वास्तविक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, इमेजिनरी नंबर को जोड़ दीजिए, इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या या जिसे आप कह सकते हो काल्पनिक संख्या है, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या है। तो रियल नंबर हमने आपको बता ही दिया था, अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, आई, जिसको आप बोलते हो आयोटा, आयोटा जिसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। तो आगे आप जिस तरह से 9th क्लास के बच्चों, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 12th में 11th में, तो ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि इमेजिनरी नंबर इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे हमने आपको लिख दिया √-4, तो आप 4 का स्क्वायर रूट तो निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल तो निकाल लेंगे, फिर आई को, अरे सॉरी, माइनस का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, तो इसी चीज़ को लिखा जाता है क्या, सॉरी, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये जो √-1 बचेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई, उसी को क्या बोलते हैं हम, आयोटा। यानी मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, 1 × −1 × 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 2 आ जाएगा और वैल्यू बचेगी क्या, −1, इसको क्या लिख दिया जाता है, आई। तो यही आपका क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी काम करेगा ये। को प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दिया, अब आगे समझिएगा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको आप बोलते हो
ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो सीधा से कह सकते हैं आप, जुड़वा अभाज्य संख्याएं में वे प्राइम नंबर या वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो, दो हो। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो, दो हो। या ऐसे कह सकते हैं, कोई भी दो संख्याएं वो क्या हो, अभाज्य हो, और उनके बीच का अंतर क्या हो, दो हो। तो इसे क्या कहा जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे हम लिख सकते हैं 17 और 19, तो 17 और 19 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर। दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, दो है। तो ये क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर। अब इसी पे हम आपको थोड़ा सा वर्क करने के लिए दे रहे हैं, तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, वो इसको इस पर थोड़ी मेहनत करें और हमारे कमेंट सेक्शन में 1 से लेके 100 के बीच तक, 1 से लेके 100 तक के बीच ट्विन प्राइम नंबर लिख के बताएं, ठीक है? तो समझ गए होंगे कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो हमने आपको बता दिया, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या होता है, दो होता है। ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो क्या हो, अभाज्य हो, और उनके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है? ये आगे बात करते हैं हम परफेक्ट नंबर की। तो देखिए, परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे, परफेक्ट नंबर में कोई भी नंबर हो उसके जितने भी डिविजिबल होंगे, ठीक है, या भाजक उसके जितने भी हैं, उस भाजक का योगफल क्या होना चाहिए, उस संख्या के दोगुने के बराबर होना चाहिए, ठीक है? या ऐसे कह सकते हो कि जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, हमने 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, तो इसके भाजक लिख सकते हो, डिविजिबल लिख सकते हो आप, 1, 2, 3, और किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। अब इसके जितने भी डिविजिबल हैं, इस 6 को छोड़कर बाकी का सम क्या हो, 6 के इक्वल हो, चाहे 6 को ऐड करने के बाद सम क्या हो, इसके दोगुने के इक्वल हो। तो देखिए, ऐड कर लेते हैं, तो इसके डिविजिबल को ऐड किया हमने, तो कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। या हमने कहा कि 6 को भी ऐड कर लीजिए आप, 6 को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, उसके दोगुने के बराबर, तो 12 आ रहा है। तो आप देख सकते हो 6 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है? तो हमारी बात आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होगा। तो परफेक्ट नंबर के लिए हमने आपको बता दिया कि परफेक्ट नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर उसके जितने भी डिविजिबल होंगे या भाजक होंगे, उनका सम क्या होना चाहिए, उस संख्या के दोगुने के बराबर होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल में और भी ले सकते हो, 28 को लेके देखते हैं, तो इसके कितने डिविजिबल हो सकते हैं, 1, 2, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा, गलती हो गई, 1, 2, 4 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा, और 28 से डिवाइड होगा। तब इसके जितने भी डिविजिबल आए हैं, उनका सम करके देखते हैं कि क्या वो 28 के 2 टाइम्स आते हैं। अगर वो 28 के 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। तो इनके डिविजिबल को ऐड करते हैं हम, 1, 2, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, तो ऐड करते हैं, 1 और 2, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 18, 18, अरे सॉरी 28, 28 प्लस 28 क्या हो जाएगा, 56। तो क्या आ रहा है, ये आपका 56 आ गया, यानी मतलब ये 56 क्या है, 28 का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी मतलब 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है। तो अब इस पर भी हम आपको थोड़ा सा वर्क देना चाहते हैं, इसमें भी आप हमको थोड़ा मेहनत करके आप लिखिए, 1 से लेके 1000 तक आप लिख के बताइए कि परफेक्ट नंबर
कौन कौन से वंस या और 1000 के बीच है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आप भी मेहनत करें। हमने आपको बता दिया कि परफेक्ट नंबर कैसे निकलेगा, को प्राइम नंबर क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप नंबर सिस्टम का एक जो क्लासिफिकेशन था उसमें लगभग मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।